हुजूर के लोकप्रिय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय माखन सिंह जी, गोविंदपुरा से विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी यशस्वी सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, बहन मालती राय जी, विष्णु खत्री जी, रामपाल सिंह जी, सीएस डीजीपी पीएस संस्कृति, और लाल परेड मैदान अकेले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थान पर कार्यक्रमों में उपस्थित आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्री साथीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि और प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आप सबको मध्य प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बधाई और आज देना चाहता हूं। इंदौर को भी, भोपाल को भी, अलग अलग शहरों को भी और पूरे मध्य प्रदेश को भी, एक तरफ इंदौर जहां छठवीं बार स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान पर आया है, वहीं भोपाल ने भी स्वच्छतम राजधानी का खिताब जीता है। जरा भोपाल के लिए भी जोर से ताली हो जाए। और ओवरऑल मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में नंबर एक पर आया है। प्रदेशवासियों, आप सबका अभिनंदन, आप सबकी बधाइयां, आप सबको बधाइयां। मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश डाकुओं के लिए जाना जाता, कई फिल्में बनती थी, मानसिंह पानसिंह मलखान सिंह, मध्य प्रदेश की पहचान डकैतों से हो गई थी। लेकिन हमने संकल्प किया उस समय मध्य प्रदेश की धरती पर, और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे। मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमारी पुलिस ने कमाल किया, तब से अब तक डकैत नहीं बनते। आतंक का साया था मध्य प्रदेश, सिमी का नेटवर्क था, वो सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। कोई जमाना था कि नक्सली मंत्री जी का गला काट गए थे, उस नेटवर्क को भी ध्वस्त किया। मध्य प्रदेश की पहचान बिना सड़कों वाले राज्य की थी, आज 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनी है। मध्य प्रदेश कभी लालटेन का प्रदेश कहा जाता था, आज 2400 घंटे बिजली का प्रदेश है। मध्य प्रदेश के खेत सूखे थे, मध्य प्रदेश के कंठ प्यासे थे। मुझे बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टर से सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टर कर ली है, और 2026 तक 65 लाख हेक्टर हो जाएगी। मध्य प्रदेश कुआ और बावड़ी का पानी पीता था, 54 लाख घरों में हमने सीधे नल कनेक्शन दे दिए, और 1.24 करोड़ घरों में नल लगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की संकल्प की पूर्ति के लिए उनके आशीर्वाद से चल रहा है। मध्य प्रदेश जिसकी विकास दर कभी होती थी माइनस में, जब हमने शुरू किया था -4%, आज
आज कहते हो गर्व है मेरे मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की ग्रोथ है 19.74% देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कभी हुआ करती थी 13,000 रुपया, लेकिन आज बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। हम इससे संतुष्ट नहीं है और तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भर दिए। मैं प्रदेश के किसानों को प्रणाम करता हूं। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। अनेकों अन्न के उत्पादन में, फल और सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर एक पे आगे आए। मध्य प्रदेश में स्कूल तो यहां तो थे ही नहीं, या थे तो गुरुजी जैसे शिक्षा कर्मी जैसी व्यवस्थाएं थी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहे हैं, जो किसी भी अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल को गुणवत्ता में मात करेंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कभी 5 हुआ करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। चाहे गरीबों के घर बनाने का सवाल हो, निवेश लाने का सवाल हो, काम धंधा रोजगार को बढ़ाने का सवाल हो, अनेकों क्षेत्रों में नई क्रांति हुई है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने ये संकल्प लिया कि अपनी मातृभाषा हिंदी में हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाएंगे। अंग्रेजी कई बार प्रतिभा को मार डालती है। प्रतिभा होने के बाद भी केवल अंग्रेजी नहीं जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश में सारी पढ़ाई मातृभाषा में होगी, ताकि गांव में रहने वाले किसान, शहरों के गरीब, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ सके। एक नई क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में कभी बेटे ज्यादा पैदा होते थे, बेटियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन कहते हुए गर्व है कि लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं से जहां पहले 1,000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी, आज 1,000 बेटों पर 976 बेटियां जन्म ले रही है। और जब तक बेटा बेटी की यह संख्या बराबर नहीं हो जाती, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश पहला सशक्तिकरण का प्रतीक है। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को हमने दिया है, और 58% से ज्यादा चुन चुन के स्थानीय निकाय के चुनाव में आई है। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की गाथा यात्रा बहुत लंबी है, उतने विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी हम संतुष्ट नहीं है। हमने बेहतर किया है और बेहतर करना है। आप जानते हैं सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश ने जहां एक तरफ उज्जैन में अलौकिक श्री महाकाल महालोक का निर्माण किया है, आप सबसे अपील करता हूं एक बार देख के जरूर आना। भगवान शिव की महिमा जिस पर आज कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, दूसरी तरफ सरकनपुर में मां देवी लोक का निर्माण करने का काम प्रारंभ हुआ है, तो ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का भव्य निर्माण हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का अभियान हम लगातार चला रहे हैं। आगे के भी हमारे संकल्प है मित्रों, बहुत संक्षेप में मैं उनको भी आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। एक, अभी तक हमने 3,00,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, लेकिन अब अटल एक्सप्रेस वे बनेगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा, और ये केवल रोड नहीं होंगे, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, नई टाउनशिप होगी, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, और इसके साथ साथ परिवहन में केवल मेट्रो रेल अकेली नहीं, अब केवल कार और रोपवे का भी उपयोग किया जाएगा। निवेश आए मध्य प्रदेश में, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन
आ रहा है तेजी से, लेकिन इस साल केवल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, के हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिसमें 100 से ज्यादा देशों के लोग आने वाले हैं, अब मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न होने वाला है। ये प्रवासी भारतीय दुनिया भर से आएंगे और मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में अपना सहयोग रेखांकित करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स भी अब मध्य प्रदेश की धरती पर इस साल होने, अगले साल जनवरी में, खेलो इंडिया फरवरी में वो गेम्स भी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश खेलेगा भी, मध्य प्रदेश में निवेश भी आएगा, मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में ही 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1,00,000 का हमने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। और रोजगार दिवस के अवसर पर हर महीना कम से कम 2,00,000 स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरफ गरीब की थाली खाली ना रहे, इसलिए हर एक को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से निःशुल्क राशन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का भी राशन। भाई दूसरी तरफ मैंने कहा था मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर अपने गरीब बहनों और भाइयों से, कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो हर गरीब के पास होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोर से बोले होना चाहिए कि नहीं। 28 नवंबर से यह अभियान प्रारंभ होगा। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको प्लाट देके जमीन का मालिक बनाने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा 28 नवंबर से। यह ग्रामीण क्षेत्र में होगा, शहरी क्षेत्रों में या तो हम मल्टी बनाएंगे, और यहां भी प्लाट के अनेकों मामले वर्षों से लंबित थे। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी ऐसे भाई और बहन हैं जिनके वर्षों से जमीन पे कब्जे हैं, चाहे वो हमारे विभाजन के समय आए हुए भाई और बहन हो, चाहे बाकी दूसरे हो, उनको सबको केवल नाम मात्र की दरों पर प्लाट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक तरफ जमीन का टुकड़ा रहने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उस पर मकान होना चाहिए कि नहीं। अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं। तो मकान बनाने का महाअभियान प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में और मुख्यमंत्री आवास योजना के रूप में प्रारंभ होगा। तीसरी चीज, अभी हमारा सीएम जन सेवा अभियान चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। 88,00,000 हमने जोड़े, किसी का नाम राशन में छूट गया हो तो वो नाम जोड़ा जा रहा है, किसी का नाम अगर आयुष्मान भारत योजना में छूट गया हो जिसमें 5,00,000 रुपए तक का इलाज एक परिवार का एक साल में प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करवाया जाएगा, तो वो नाम जोड़ने का अभियान भी चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फिर कहते हुए गर्व है, अपना मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां धन के अभाव में किसी प्रतिभाशाली बेटा बेटी की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, मैनेजमेंट की किसी क्लास में होता है, देश में होता है, विदेश में होता है, तो भी उनकी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। कोई प्रतिभा कुंठित नहीं होगी मध्य प्रदेश की धरती पर बिना किसी जाति भेद के। यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा और इसलिए जितने पक्ष हो सकते हैं जनता के कल्याण के। एक बात और मैं आज कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई ऐसा बेटा बेटी जिसके माता पिता नहीं है या कोई आश्रय नहीं है वो अनाथ नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत उसका पालन पोषण, उसके भोजन आवास की व्यवस्था और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था निशुल्क की जाएगी, चाहे वो कोविड के कारण अनाथ हुए हो और किसी अन्य कारण से अनाथ हुए हो।
कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं रहेगा। अरे इतने बड़े समाज के होते हुए बताओ क्या कोई बेटा बेटी माता पिता अगर नहीं है तो अनाथ होना चाहिए क्या? अरे अनाथ होना चाहिए क्या? काय के लिए समाज है, काय के लिए सरकार है। हम मिलके उनको प्रेम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक और योजना, खेत सड़क की योजना, कई खेतों तक बनी, कई खेत रह गए किसान भाइयों, तो फिर से हम मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना शुरू करके किसानों के खेतों तक भी सड़क ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं मध्य प्रदेश दिवस पर आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा है, करने का प्रयास कर रहा हूं, यह पूरी टीम मिलकर कर रही है। आज आपसे भी कुछ मांगू क्या? अरे मांगू क्या? डर रहे हैं कि पता नहीं क्या मांग ले मामा, तो जोर से बताओ मांगू क्या? तो नंबर एक, मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं और आपसे अपील करता हूं कि रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाना। ऐसे नहीं ताली बजे तो जोर से बजे, बोलो लगाओगे? अच्छा जन्मदिन पे भी लगाओ, और जिनकी शादी हो गई है वो मैरिज एनिवर्सरी पे भी लगाओ, पति और पत्नी के संबंध मजबूत बने रहेंगे, तो मैरिज एनिवर्सरी भी मनाए तो पेड़ लगा के मनाए, और बेटा बेटी का जन्मदिन मनाना हो तो भी पेड़ लगा के मनाए, और अगर माता पिता की पुण्य स्मृति हो तो भी पेड़ लगा के मनाए। बोलिए मनाएंगे? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। नंबर दो, मैं अपील कर रहा हूं आपसे, बिजली पे जो हम सब्सिडी देते हैं वो है लगभग 24,000 करोड़ रुपया, तब जाके सस्ती बिजली गरीबों को और किसानों को मिलती है। मेरी एक अपील है, आज मध्य प्रदेश दिवस के दिन संकल्प करो कि हम फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, जब जरूरत हो तभी स्विच ऑन करेंगे और नहीं तो स्विच बंद कर देंगे, हम ऊर्जा बचाएंगे। बोलो तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। नंबर तीन, मांगू तीसरी चीज? नंबर तीन, पानी का, पीने के पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पानी की एक एक बूंद कीमती है। मैं देखता हूं कि बोतल में पानी 2 घूंट पिया और बोतल की बोतल फेंक दी। ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हम पानी की जितनी जरूरत होगी उतने ही खर्च करेंगे, हम पानी बचाएंगे। बोलिए तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। नंबर चार, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियां लाडली लक्ष्मी है, और हमने फैसला किया है कि अगर किसी ने मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। ये कानून मध्य प्रदेश में बना है, और लगभग 72 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मेरी केवल इतनी अपील है कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे। बोलिए तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। और एक बात और कि हम सफाई में मध्य प्रदेश को नंबर एक बनाए रखने के लिए स्वच्छता के क्षेत्र में काम करेंगे। हम कोई ना कोई स्वच्छता का काम हाथ में लेंगे ताकि मध्य प्रदेश नंबर एक पर बना रहे। बोलिए तैयार हैं? इसमें धीरे से काय को बोल रहे हैं, नंबर एक तो बना रखा है मध्य प्रदेश को। बोलिए सब तैयार हैं? मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर अपने नागरिक कर्तव्यों का अगर ईमानदारी से पालन करें तो मैं आपको वचन देता हूं, मध्य प्रदेश देश का नंबर एक का राज्य तो हो गई, दुनिया के भी सबसे अच्छे राज्यों में से एक होगा। ऐसा राज्य तभी बनेगा जब जनता का सहयोग मिले, आप सबका सहयोग मिले।
बोलिए आप सबका सहयोग मिलेगा और जोर से सबका सहयोग मिलेगा तो मेरे साथ केवल भोपाल में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो जहां है दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के मध्य प्रदेश को नंबर एक बनाने में अपना सहयोग देने का संकल्प लेगा। तो उठाइए दोनों हाथ पीछे तक दाएं बाएं बांधिए दोनों मुट्ठी और भोपाल के बाहर भी जो बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं वो भी उठाइए दोनों हाथ बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अपने मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता की और मेरे भांजे भांजियों की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ सौगातें, कुछ संकल्प, कुछ वचन और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको शामिल करने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर जो सौगातें हैं हम सबको दी हैं, निश्चित रूप से हम उनका मन से आभार मानते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, इससे पहले कि हम माननीय संचालक संस्कृति को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करें, आप सबको बता दें कि इस कार्यक्रम का भोपाल से सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर और दूरदर्शन मध्य प्रदेश से सीधा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वासी भोपाल से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। हम आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं।